दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, हमारे हिंदी बंगला वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने शायद पता लगा चुका है, मैं थंबनेल जो आपको दिखाया, इस थंबनेल को देख के आपको शायद पता लग गया है। दोस्तों जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आसाम टेट के लिए, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, मैं इस वीडियो में डिटेल्स आपको बता रहा हूं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक है ये क्या नहीं, इस वीडियो में आपको राय देना है। इस वीडियो में कमेंट करके आपको बताना है कि सर बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम एडवर्टाइजमेंट का जो निकला है टेट का, ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इज द जनरल इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट ऑफ आसाम इंटरव्यू सेक्शन 13 आरटीआई एक्ट 2019 एंड अब्यू द ऑर्डर द हॉर्नबिल गुवाहाटी हाईकोर्ट इन द WP 2280 इस मतलब हाईकोर्ट के जो फैसला है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, ये देखिए जून वाइज दोस्तों अप्लाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जोन वाइज देखिए तो डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट अगेंस्ट वन जोन, ठीक है, इस ये देखिए जोन वाइज 7 जोन है आसाम का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में बता रहा हूँ। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट अपीयर ऑन द टेट ऑफ द फॉलो, कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम, आसाम का होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज द फॉलो, जो मतलब नीचे फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी और रिक्वायरमेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपको DLED है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी और इकोमेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 ईयर्स बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ BEd, ठीक है। तो ये बोल रहा है ABCD के, ये देखिए पूरा का पूरा दिया है कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं, और का मतलब है या अगर ये क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी ए ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी ये कर सकता है, ठीक है, और का मतलब है या तो, ठीक है। इसी तरह आप आसानी से देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन अपीयर द अपर प्राइमरी टेस्ट क्लास 6 to 8, ठीक है, ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन विद आर एंड नेम नाउन, तो क्या ये मतलब आपको BEd चाहिए, सीनियर सेकेंडरी का साथ है, अगर आपने DLED करके रखा है तो आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ये 50% मार्क भी लगेगा साथ में। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द 2019 आसाम, पेपर वन बी पेपरसन हु इंडेंट्स टू टीचर लोअर प्राइमरी क्लास 1 to 5 पेपर फोर क्लास 5, ठीक है। सब्जेक्ट के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी, लैंग्वेज एसामिस बंगाली हिंदी बोडो, मतलब 150 मार्क का होगा क्वेश्चन पेपर, आपको 60% मार्क जरूरी है, मतलब 90 मार्क आपको चाहिए। ऑल 150 क्वेश्चन विल बी MCA टाइप, एनी क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क, द पेपर 2 विल बी पर्सन इंडिकेटिंग द इंटेंट्स टू बी टीचर फॉर अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8, पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस स्टडीज फॉर क्लास 8 और 10। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देखिए, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट आप देखिए कितना मार्क होगा, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो। मैं ये जो PDF का फाइल है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आसानी से इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो। जो ड्यूरेशन का एग्जाम का होना चाहिए, ड्यूरेशन होगा आपको 150 मिनट्स, ठीक है, एडिशनल 20 मिनट एडिशनल के लिए रखेगा पर हावर्स। मिनिमम मार्क क्वालिफाइड टेट कैंडिडेट रिक्वायर्ड 60% आपको होना चाहिए, ये देखिए तो 90 मार्क आपको होना चाहिए। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर SMS बंगाली बोडो हिंदी इंग्लिश, ये सब मीडियम होगा। सिलेबस द पेपर 1 to 2 अवेलेबल इन द वेबसाइट, इसी वेबसाइट में आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर एग्जामिनेशन बक्सा 01, बरपेटा 02, विश्वनाथ 03, बंगईगांव 4, खाचर 5, चारेदियो 6, चिरांग 7, ये देखिए ये मतलब जो लिस्ट के सेंटर का कहाँ का सेंटर होगा, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा। बिलिटी एज बिल मार्क स्ट्रीम सीटेड 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए सर्टिफिकेट रहेगा आपके लिए। ओपनिंग वो रिसीप्ट ऑन एप्लीकेशन 02 सितंबर से स्टार्ट होगा, 02 तारीख का सितंबर में स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/09/2019, 17 सितंबर को रहेगा,
ठीक है, जो एडमिट कार्ड निकलेगा 30 सितंबर को और डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा 20 अक्टूबर को। ये देखिए, मैं जो आपके आपको बताया ना इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, मेन इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, स्टेप्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन फॉर फीस फॉर लॉगिन थ्रू वेबसाइट डाउनलोड इंट्रैक्शन मैनुअल रेड केयरफुली इंट्रैक्शन मैनुअल हाउ टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर रिकमेंडेड साइज मेंशन एज इंट्रैक्शन मैनुअल। जो साइज फोटो सिग्नेचर का जो साइज है वो मैनुअल देख के आपको अपलोड करना है, इंट्रैक्शन देख के। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए, और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए फीस के बारे में, आपने कभी शायद टेट अप्लाई किया हो या ना सीटेट का, लेकिन सीटेट में कितना फीस था, सीटेट में था 700 जनरल के लिए और एससी के लिए 350, एससी के लिए 350 जनरल के लिए 700। तो देखिए गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या राय दिया है टेट के बारे में, पेपर टू के लिए एससी एसटी ओबीसी एमओबीसी पीडब्ल्यूडी 300 और 325 जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये मैंने आपको बताया ना मेन इम्पोर्टेंट, देखिए तो मतलब एससी एसटी के लिए बहुत छूट था, अलग अलग फॉरम निकलता है और एससी एसटी के लिए बहुत छूट था और जनरल के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस फॉरम में क्या है 325 जनरल के लिए है और एससी एसटी कोई भी हो, अदर पीडब्ल्यूडी कोई भी हो 300, ठीक है। तो उसमें से 300 मतलब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जो सरकार ने नियम किया है अच्छा किया है या बुरा किया है आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि 325 और 300 डिफरेंस कितना है, 25 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन अच्छा हुआ है या मतलब कुछ ख़राब हुआ है ये कमेंट में आप बता सकते हो। दोस्तों इस एप्लीकेशन 02/09/2019 से स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा मैं एक फॉर्म फिल करके लाइव आपको बता दूंगा, तो कैसे फिलअप करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।